सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे जांच एजेंसियों के घेरे में आ गए हैं। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है और अब इस पूरे मामले में और बड़ा खुलासा हुआ है जो बड़े एक्टर से जुड़ा है। खबरों की माने तो एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स पेडलर्स ने बॉलीवुड के चार बड़े एक्टर्स के नाम लिए हैं। ये चार एक्टर्स शाहरुख खान, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डिनो मोरिया है। और जानकारी के मुताबिक शाहरुख को अर्जुन रामपाल कई सालों से ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इन दोनों ने एक साथ ओम शांति ओम और रावण जैसी फिल्मों में भी काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के एक अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कई बड़ी बातें बताई है। अधिकारी ने बताया कि ड्रग पेडलर के सूत्र ने जानकारी दी है कि शाहरुख को अर्जुन ड्रग सप्लाई किया करते हैं। डिनो मोरिया किसे सप्लाई करते थे इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। आपको बता दे अब तक खबरों में ए, डी, आर और एस जैसे कोड सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि ये इंडस्ट्री के बड़े मेल एक्टर्स हैं। वहीं इस कोड ए, डी, आर और एस के मुताबिक अर्जुन रामपाल, डिनो मोरिया, रणबीर कपूर और शाहरुख खान के नाम सामने आए हैं। शाहरुख खान इन दिनों अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों से बहुत परेशान है, साथ ही अपने फैंस के बेतुके सवालों से भी वो थोड़े नाराज हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ किंग खान ने अब तक किसी फिल्म को साइन नहीं किया है तो वहीं दूसरी तरफ उनके काम को कई फिल्मों से जोड़े जा रहे हैं। और अब ये खबर भी कई दिनों से सुनने को मिल रही है कि यशराज की फिल्म धूम 4 में शाहरुख खान लीड रोल निभाने वाले हैं और इस खबर में कितनी सच्चाई है उसका जवाब अब खुद किंग खान ने दे दिया है। दरअसल पिछले दिनों ट्विटर पर शाहरुख खान ने आस्क एसआरके सेशन किया था जिसमें उन्होंने अपने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया और इसी सेशन के दौरान शाहरुख खान के एक फैन ने धूम 4 में नजर आने की अफवाहों के बारे में सवाल कर दिया और फैन ने सवाल करते हुए पूछा कि सर सुना है आप धूम 4 कर रहे हो, क्या ये सच है? और इस सवाल का जवाब शाहरुख खान ने बेहद फनी अंदाज में दिया। शाहरुख खान ने कहा मैंने भी सुना है, तुम्हें कुछ और खबर मिले तो दे देना, जिससे साफ जाहिर है कि धूम 4 में शाहरुख के काम करने की खबर महज एक अफवाह है। इसके अलावा किंग खान अभी अपने प्रोडक्शन हाउस में वेब सीरीज के निर्माण में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हाल ही में उनके प्रोडक्शन में बनी बार्ड ऑफ ब्लड ने खूब सुर्खियां बटोरी।